जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरे चरम पर है। राजनीतिक दलों के साथ ही घाटी में स्थानीय लोगों में भी चुनाव का जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए राजौरी में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। सरकारी पीजी कॉलेज खेवरा में दूसरे चरण के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा कर्मचारियों को ईवीएम मशीन, वीवीपैट मशीन और पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में नोडल अधिकारी प्रशिक्षण प्रभारी डॉक्टर नसीम ने कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग दी। हमारी जो सेकंड फेज जो ट्रेनिंग चल रही है हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर, हमारे वर्दी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स जो हैं उनकी गाइडलाइन के ऊपर, तो हमारी जो आज तीन जगह पे पैरेलल जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है, एसी हमारा नौशहरा की बात करें 84 की, कालाकोट सुंदरबानी 83 की बात करें, और आज पीजी कॉलेज के अंदर आप जब खुद आए आपने सेशन में देखा, और एज ए नोडल ऑफिसर और एज ए मास्टर ट्रेनर मैं खुद इम्पार्ट कर रहा था ट्रेनिंग, जो इस सेशन खुद ले रहा था। तो हमने थोड़ा सा ये फर्स्ट सेकंड फेज हमारा जो चल रहा है, तीनों एसी में हमारा पैरेलल सेशन चल रहा है, तो इसमें काफ़ी एम्प्लॉयज जो है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट अपने 85 राजौरी की बात करें जिनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग राजौरी में है, तो आज 300 जो एम्प्लॉयज जो थे हमने मॉर्निंग सेशन में उनको ट्रेनिंग दी और उनको पूरा कंसेप्ट क्लियर किया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स उसका क्या रोल है, P1 का क्या रोल है, P2 का और P3 का, पूरा इनको ब्रीफ जो है और डिटेल्स में इनको जो है एक्सप्लेन किया और बताया गया। सर कितने 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहा था, कितना जोश और जज्बा दिख रहा है, अलग से तैयारी दिख रही है? जोश तो है, लेकिन यह है कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे आप जानते हैं कि हमारे यंग ऑफिसर अभी उन्होंने हाल में ही यहाँ पे ज्वाइन किया है और उनकी प्रॉपर गाइडलाइन में बड़े शॉर्ट नोटिस पे हम लोग फास्ट ट्रैक पे जो काम कर रहे हैं और उनकी बड़ी बेस्ट विशेज और उनके प्रॉपर गाइडलाइन में हम लोग कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग हमारा एक सेकेंड राउंड और होगा तो थर्ड फेज होगा, उसमें भी हम एम्प्लॉयज़ को पोल पार्टीज जो बना के एसी वाइज जो हम उनको ट्रेंड करेंगे, हैंड टू हैंड जो है प्रैक्टिस देंगे उसकी हमारे ईवीएम को और डॉक्यूमेंट्स कैसे फिल करने हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कर्मचारी प्रतिदिन शिफ्ट के आधार पर भाग ले रहे हैं। एक दिन में सुबह और शाम की 2 शिफ्ट निर्धारित की गई है। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षण दे रहे ट्रेनर्स का इस आयोजन के बारे में क्या कुछ कहना है सुनिए। अपनी तरीके से अपने तरफ से तो एवरीबडी इज़ सो मच इन्वॉल्व कि हम हर एक छोटी सी छोटी चीज़ इन्हें बताएं ताकि द डे ऑफ पोलिंग जब हो तो कोई ऐसा कोई क्वेश ना हो, और हमारा जो पोलिंग प्रोसेस है इट इज़ कंडक्टेड एट द बेस्ट वे विदाउट एनी फॉल्ट्स एंड फ्लॉज एज मच एज वी कैन लेसन देन अप जितना कम। जी बोले, जोश और जज्बा तो वाकई है क्योंकि हमारे ये इलेक्शंस काफ़ी अवेटेड इलेक्शंस थे और 10 साल के बाद ये इलेक्शंस हो रहे हैं। एवरीबडी इज़ इन्वॉल्व, डीपली इन्वॉल्व, और हम इसलिए पूरे जोश और जज्बे के साथ कर रहे हैं और इसको एक सक्सेसफुल इवेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या क्या बता रहे हैं? हम यहाँ पर जो भी हमारा जो फर्स्ट फेज ऑफ ट्रेनिंग गया उसमें हम जनरल ट्रेनिंग हमारी हुई अलग अलग डिपार्टमेंट से, जैसे लोग आए एजुकेशन डिपार्टमेंट के आए, फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एवरी डिपार्टमेंट मतलब एम्प्लॉयज हैड कम ओवर हेयर, और उन्हें जनरली हाउ टू हैंडल द ईवीएम, हाउ टू फिल अप द फॉर्म्स, जो हमारा ये प्रोसेस रहता है रिटर्न प्रोसेस कि आपको अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर है कोई तो उसे डायरी कैसे फिलअप करनी है, अगर कोई पोलिंग ऑफिसर 1, 2, 3 तो उनको क्या क्या पर्टिकुलरली क्या क्या काम करना है, रजिस्टर ऑफ वोटर्स जो है वो किसे फिलअप करना है, कैसे फिलअप करना है, वोटर जो हमारी रोल होती है, जो इलेक्ट्रोल रोल होती है वो कैसे हमें टिक करनी है, किस तरीके से उसको मार्किंग करनी है एंड ऑल दैट स्टफ, ये सब ट्रेनिंग डीपली, और कैसे हमारा ईवीएम जो है, हमारा वीवीपैट या हमारा कंट्रोल यूनिट, ऑल दिस पार्ट्स आर टू बी हैंडल, हाउ दे हैव टू बी कनेक्टेड एंड ऑल दिस प्रोसेस इज बीइंग टॉट। ट्रेनिंग जो है सेकंड मरहला की ट्रेनिंग का आगाज हुआ है। ये ट्रेनिंग 3 जगहों पर हो रही है, पीजी कॉलेज राजौरी में और पीजी कॉलेज कालाकोट में और पीजी कॉलेज नौशहरा में, 3 जगहों में हमारी आज के दिन की जो ट्रेनिंग चल रही है। इसमें हमारी 2 शिफ्टें हैं, मॉर्निंग शिफ्ट है 10 से 12 बजे तक, दूसरी है 2 से 4 बजे तक। इसमें हम एम्प्लॉयज़ को बेसिक कंसेप्ट से लेकर
एंड तक जो है हमारी मशीन को कैसे हैंडल किया जाता है, पूरा प्रोसेस क्या है, मार्क पोल कैसे की जाती है, एक स्टेप बाय स्टेप हम ब्रीफ करके एम्प्लॉयज को ब्रीफ कर रहे हैं ताकि आने वाली इस इलेक्शन में पोलिंग दिन के दिन किसी भी एम्प्लॉयज को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। जहाँ तक फार्म भरने का प्रोसेस है वो भी हम फार्म जो है वो भी ब्रीफ कर रहे हैं कैसे कैसे फार्म भरना है, और फार्म भरने के बाद मेन फार्म जो है किस्में डालना है, पीओ डायरी और 17C जो है सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे दो इन्वॉल्व हैं जो डायरी पोलिंग ऑफिसर बार कर ये जमा कराते हैं। जो पीओ डायरी है ये दो सेट में चाहिए, ये अकाउंटिंग के दौरान काउंटिंग सेंटर में जाती है, और 17C जो है अकाउंट ऑफ वोट्स ये भी हमारा काउंटिंग सेंटर में जाता है। बड़े तफसील के साथ हम जो ट्रेनिंग एम्प्लॉयज को दे रहे हैं ये हमारा दूसरे मरले का प्रोसेस चल रहा है, और साथ साथ में ही यहाँ रजौरी हमारा AC 85 रजौरी का स्ट्रांग रूम बना हुआ है, यहाँ भी हम माल को पैक कर रहे हैं, अलग अलग बैगों में डाल रहे हैं, कौन सी आइटम किस बॉक्स में डालनी है और कौन सी आइटम किस बॉक्स में डालनी है वो भी प्रॉपर हमारी तैयारी जोश खरोश के साथ चल रही है।